वक्त से काफ़ी पहले ही इंडियन आर्मी को SMBP की तरफ से 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स को डिलीवर कर दिया गया है, जो कि AK-47 की स्टील कोर बुलेट्स को भी रोक सकते हैं। भारत और फ्रांस के बीच अभी कुछ मेजर डिफेंस डील साइन होने वाली है और फ्रांस की तरफ से अभी राफेल को भारत में मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया जा रहा है और इसके लिए क्या कंडीशन रखा गया उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। भारत की तरफ से 2025 से पहले आकाश साम और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ अपनी इंडिजिनस BVR मिसाइल को भी एक्सपोर्ट करने का रखा गया है और अंत में चाइना और पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सरसाइज का जवाब देते हुए भारत की वेस्टर्न फ्रंट में हमारी वेस्टर्न कमांड की तरफ से एक मैसिव जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहाँ पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेके। शुरू से एक बहुत ही बड़ा इशू रहा है क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट्स ना होने की वजह से हमारे जवानों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसी बीच धीरे धीरे इनको इंडियन आर्मी में शामिल करना शुरू किया गया था और अभी PTI की तरफ से एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद नायक जी के द्वारा भी इंडियन आर्मी को 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स को डिलीवर किया गया। वैसे ये एक फॉर्मल प्रोसेस था जिसमें श्रीपद नायक जी ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स की 1 लाख वाली यूनिट को हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरावने जी को हैंडओवर किया था। अभी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं इनको SMBP लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया है और अभी SMBP लिमिटेड की तरफ से अपनी डेडलाइन से लगभग 4 महीने पहले इनको इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जा रहा है। वैसे ऑर्डर मिलने के बाद ही SMBP अपने टाइमलाइन से काफी आगे चल रहा था और 2019 में जब इनकी डिलीवरी करना शुरू किया गया था तो SMBP लिमिटेड की तरफ से लगभग 40,000 जैकेट्स को डिलीवर किया गया था और इनको मेनली जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद हमारे जवानों को दिया गया था, जिनको मेनली काउंटर ऑपरेशन में डिप्लॉय किया जाता था और सुअर लोगों की तरफ से AK-47 और स्टील कोर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता था जिससे ये जैकेट उनको सेफ रखने वाली थी। लेकिन 2019 में भी जब SMBP की तरफ से 40,000 जैकेट्स को डिलीवर किया गया तब भी अपने डेडलाइन से लगभग 1-2 महीने आगे चल रहे थे और 36,000 के बदले 40,000 जैकेट्स को डिलीवर किया गया था और SMBP की तरफ से 2021 तक इस डील को पूरा करने का रखा गया है। 2018 में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे 1,80,000 जैकेट के लिए SMBP को ऑर्डर को दिया गया था और SMBP की तरफ से सभी जैकेट्स को 2021 तक डिलीवर करने का रखा गया था और अभी 80,000 जैकेट्स को भी वो 2021 के अंदर ही डिलीवर करने वाले हैं। ये जैकेट्स चारों तरफ से प्रोटेक्टेड और ये AK-47 की स्टील कोर बुलेट्स को भी रोक सकते हैं। साथ ही SMBP के MD का कहना है कि अभी उनके पास एक बैलिस्टिक हेलमेट भी मौजूद है जो कि AK-47 की स्टील कोर बुलेट को रोक सकता है, साथ ही इम्पैक्ट होने के बाद जो झटका लगता है उसको भी ये काफी हद तक रिजॉल्व कर सकती है। अब अभी हमारे आर्मी के पास जो हेलमेट मौजूद है वो NIG Level 3 स्टैंडर्ड के बताए जाते हैं जो कि 9mm तक के राउंड्स को क्लोज रेंज में प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगला अपडेट भारत और फ्रांस को लेके। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंच प्रेसिडेंट के टॉप सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के गश्त पर अभी आए हुए हैं और इसी बीच कल उनकी मुलाकात हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी के साथ होने वाली है। इसी दौरान भारत और फ्रांस के बीच बायलेटरल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ मेजर डिफेंस डील को लेकर भी बातचीत होने वाली है, जिसमें फ्रांस के साथ अभी एक 10,000 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील को लेकर बातचीत होने वाली है जिसको महाराष्ट्र में सेटअप करने का प्लान किया गया है। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट 75i के अंदर भी फ्रांस की नेवल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रही है जिसके लिए फ्रांस की तरफ से कुछ ऑफर भारत को दिया जा सकता है और अंत में इंडियन ओशन रीजन में और इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर भी कुछ डिस्कशन होने वाली है। और जो सबसे बड़ी डिफेंस डील यहाँ पर होने की उम्मीद किया जा रहा है वो राफेल डील को लेकर, क्योंकि अभी ऐसा बताया जा रहा है कि फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन अभी भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने वाला है और आगे चल के वो राफेल को भी भारत में मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दे रहे हैं। और अगर ये खबर सही है तो फ्रांस यहाँ पर MMR से टेंडर की बात करने की कोशिश कर रहा होगा और उनका कहना है कि अगर उसमें उनको सिलेक्ट किया जाता या फिर अगर भारत की तरफ से कम 100 या फिर उसके आसपास के राफेल जेट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो फिर वो इनको भारत में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। लेकिन अभी एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि भारत अभी MMR से डील को कैंसिल करने वाला है और उसके बदले भारत की तरफ से एडिशनल 36 राफेल जेट को खरीदा जा सकता है। साथ ही बाकी एयरक्राफ्ट को तेजस MK2 को शामिल करके भरपाई करने का रखा गया, क्योंकि
कल ही आपने सुना होगा कि भारत अभी 170 से ज्यादा तेजस एम के डुगो इंडक्ट करने का प्लान कर रहा है। पिछले साल अक्टूबर में भी भारत की एयरफोर्स के चीफ ने बताया था कि वो एडिशनल रफेल जेट को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये जो नंबर था ये 36 तक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि रफेल काफी महंगे हैं, जिस वजह से भारत अभी इनको ज्यादा मात्रा में खरीदना नहीं चाहता। लेकिन फ्रांस की तरफ से अभी इनको भारत में ही कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया जा रहा है, जिस वजह से फ्रांस की तरफ से भी रफेल की एक बड़ी ऑर्डर को हासिल करने का उम्मीद रखा गया है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके है। अब सबको याद होगा कि 2025 तक भारत की तरफ से $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को हासिल करने का एम रखा गया है, और इसके लिए अभी भारत की तरफ से अपने एक एक डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा है और क्लियर किया जा रहा है। हाल ही में एक खबर सामने आया था कि भारत की तरफ से अभी अपनी आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने का प्लान किया गया, और एक्सपोर्ट ऑर्डर को जल्दी से जल्दी क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी एक अलग ही कमेटी को सेटअप किया गया है। अब आकाश शाम के अलावा भारत की तरफ से कुछ और मिसाइल को भी एक्सपोर्ट करने का एम रखा गया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल और अस्त्र मिसाइल भी शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो फिलीपींस को इसको एक्सपोर्ट करने के लिए अभी बातचीत फाइनल स्टेज में आ चुकी है, और फिलीपींस के बाद भारत की तरफ से अभी इसको इंडोनेशिया, वियतनाम, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट करने का प्लान किया गया है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की जो एक्सपोर्ट वेरिएंट्स होने वाले हैं उसकी रेंज 290 किलोमीटर तक ही सीमित रहने वाली है, जबकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज अभी 400 किलोमीटर तक बढ़ाया जा चुका है, और साथ ही इसकी 800 किलोमीटर रेंज वाली वेरिएंट की टेस्टिंग 2021 से ही शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ अगर आकाश शाम की बात करें तो इसे खरीदने के लिए अभी केनिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बहरीन, सऊदी अरब, इजिप्ट, वियतनाम और अल्जीरिया की तरफ से भारत के साथ बातचीत किया जा रहा है। और हालांकि ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट में हमको थोड़ा दिक्कत, मतलब रशिया से क्लियरेंस मिलने का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आकाश शाम में लगभग 96% के आसपास इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से इसकी एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लगभग 24,000 करोड़ की कीमत में आकाश शाम को खरीदा जा चुका है, और एडिशनल 10,000 करोड़ की कीमत में एडिशनल आकाश रेजिमेंट को खरीदने का प्लान किया गया है। अब हाल ही में ही SU-30 MKI से फायर करने के लिए अस्त्र मिसाइल को क्लियरेंस देने के बाद भी इसको एक्सपोर्ट करने का ऑफर दिया जा रहा है, और स्पेशली उन देशों को इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है और उनके लिए गेम चेंजिंग वेपन बनने वाली जो रशियन फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रशियन ओरिजिन BVR मिसाइल के मुकाबले अस्त्र मिसाइल की परफॉर्मेंस अभी काफी बेहतर होने के साथ साथ उनके मुकाबले काफी सस्ता पड़ने वाला है। अगला अपडेट अरुणाचल प्रदेश को लेकर, जैसे कि 2-3 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अरुणाचल प्रदेश की साइड में भी चाइना की तरफ से काफी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है, और ये एक्टिविटी चाइना की तरफ से काफी तेज कर दिया गया है, और अभी तो चाइना की रेडियो ब्रॉडकास्ट को असम हाईवे में स्पॉट किया गया था। ऐसे में चाइना की तरफ से हमेशा से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना क्लेम किया जाता है, और अभी जब वो लद्दाख में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो उनके लिए अरुणाचल प्रदेश एक अगला फ्लैश पॉइंट हो सकता है। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश में भी हमारी एयरफोर्स की पकड़ को मजबूत करने के लिए यहाँ पर एडिशनल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को सेटअप करने का प्रस्ताव दिया गया था, और ये प्रपोजल सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर प्रेमा कांडू की तरफ से दिया गया था। और अभी जब हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ नॉर्थ ईस्ट के विजिट में गए हुए हैं, उनको वेलकम करने के साथ साथ स्टेट की सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए भी एक बार फिर से एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को बनाने के लिए बातचीत किया गया था। और अगर कभी भी चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के साइड में कोई भी एग्रेशन दिखाने की कोशिश किया जाता है तो ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भारत के लिए काफी काम आने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश के CM की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को इंडियन एयरफोर्स की चीफ की तरफ से भी पॉजिटिवली लिया गया था, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के CM की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की चीफ को ये भी वादा किया गया कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को बनाने के लिए जो भी हो सकेगा वो इंडियन एयरफोर्स को उसमें मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड की तरफ से अभी एक मैसिव जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड बैटल एक्सरसाइज था जिसको हमारी वेस्टर्न कमांड की प्रिपेयरनेस को चेक करने के लिए किया गया था। इसमें इंडियन आर्मी की अंबाला बेस, खारगा कोर के अलग अलग यूनिट पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें पिछले कुछ दिनों से विंटर ट्रेनिंग और फील्ड एक्सरसाइज को किया जा रहा था। इस पूरे एक्सरसाइज में बड़ी मात्रा में ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के साथ साथ इसमें आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी यूनिट और हमारी आर्मी की इंजीनियरिंग एलिमेंट्स को भी डिप्लॉय किया गया था। अब कुछ दिन पहले ही वेस्टर्न फ्रंट में पाकिस्तान और चाइना की तरफ से एक एरियल एक्सरसाइज को किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य इंडियन एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को चेक करना था। और अफसोस की बात तो ये थी कि इंडियन एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जिन चाइनीज ओरिजिन J-10 और J-11 जैसे एयरक्राफ्ट को रफेल और SU-30 के डेमो के तौर पर रखकर मॉक ड्रिल को अरेंज किया गया था, उसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स बुरी तरीके से पिट गया था। अब दूसरी तरफ 2-3 दिन पहले ही चाइना की तरफ से अपनी लासा सिटी
सिटी में भी एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था और इसके तुरंत बाद ही चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग 99 पिंग ने अपने जवानों को बदतर से बदतर सिचुएशन का सामना करने के लिए और जंग के लिए तैयार रहने के लिए ऑर्डर दिया था। इसी वजह से अभी हमारी वेस्टर्न कमांड की तरफ से अपनी ऑफेंसिव स्ट्राइक और ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था और चाइना के साथ चल रही तनाव के बीच अभी लद्दाख में भी वेस्टर्न कमांड के सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है और अभी हम सुरों के बारे में बात करने वाले हैं। वन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अगर चाइनीज रायते के अलावा कोई चीज बढ़ा था तो वो पाकिस्तान की तरफ से की गई सीज फायरिंग वायोलेशन थी, क्योंकि कुल मिलाकर इसी साल पाकिस्तान की तरफ से 5,100 बार सीज फायरिंग का उल्लंघन किया गया था, जो कि 2003 से अब तक की गई वायोलेशन में से सबसे ज्यादा रहा है। अब इसका एक मेजर कारण भी और वो ये कि इस साल यानी कि 2020 में पाकिस्तान की तरफ से कई बार कोशिश करने के बाद भी इनके सुअर लोग घुसपैठ नहीं कर पाए थे। अब इस साल भर में टोटल 44 सुअर घुसपैठ करने में कामयाब हुए थे जिनको उसके बाद ठिकाने लगा दिया गया था, लेकिन अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल लगभग 141 सुअर घुसपैठ कर गए थे। अब इनके घुसपैठ को रोकने के लिए इस बार इंडियन आर्मी की काफी योगदान रहा है और इंडियन आर्मी की एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की बात करें तो ये काफी मजबूत कर दिया गया है। अब होता क्या कि ये सुअर लोग बॉर्डर पार करने के लिए अंडरग्राउंड टनल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आर्मी की तरफ से इस साल इससे कई चोक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया था और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिससे इनकी घुसपैठ करने के काफी सारे रास्ते बंद हो गए थे और इसी वजह से इनकी घुसपैठ इस साल काफी हद तक रिड्यूस हो गया था। एक और बात यह भी है कि अगर कुछ सुअर चुपचाप घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते तो उनके पास हथियार मौजूद नहीं होते हैं और जम्मू एंड कश्मीर में हथियार सप्लाई करने की जो चेन था उसको काफी हद तक अभी रिड्यूस कर दिया गया और उसको ब्रेक कर दिया गया है, जिस वजह से जो भी सुअर लोग अभी कश्मीर में घुसपैठ करके घूम रहे हैं वहां पे तो वो एक्टिव नहीं हो पा रहे। इसी वजह से पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन में मौजूद सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री अभी ओवरक्राउडेड बन रहा है, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर पहले 200 से 250 के आसपास सुअर होने की खबर सामने आती थी, लेकिन अभी यहाँ पर 400 या फिर उससे ज्यादा मात्रा में सुअर लोग मौजूद होने की खबर सामने आई है, जो कि अभी बॉर्डर पार करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेके, जैसे कि अभी हम सबसे ज्यादा मात्रा में इंडियन सिस्टम के ऊपर फोकस कर रहे हैं और डिफेंस फोर्सेस में भी सबसे ज्यादा मात्रा में इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी बीच अभी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में खदी दोरीज का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक अभी सबसे पहले ऐसे दोरीज को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तरफ से यूज किया जाएगा और अभी ITBP की तरफ से ऐसे लगभग 1,71,520 दोरीज को खरीदने का फैसला किया गया है। इसके लिए अभी एक फॉर्मल MOU को भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और खदी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बीच साइन किया गया है और इसकी कीमत लगभग 8.5 करोड़ के बीच होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।